माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद वायरल हुए दो ऑडियो। ऑडियो के आधार पर पुलिस ने लखनऊ से बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को उठाया। पुलिस ऑडियो की भी जांच में जुटी। आखिर कब का है ऑडियो? अतीक हत्याकांड के बाद नहीं थम रहा है अतीक अहमद का किस्सा। माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद वायरल हुए दो ऑडियो के आधार पर पुलिस ने लखनऊ से बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम को उठाया है। पुलिस ऑडियो के आधार पर उमर इमरान संग कनेक्शन को भी खंगाल रही है। बता दें कि माफिया अतीक अहमद के व्हाट्सएप चैट के साथ ही दो ऑडियो भी इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुए हैं। ऑडियो अतीक के बेटे असद व बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम के बीच फोन पर हुई बातचीत के बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है कि इन दोनों ऑडियो में आवाज़ असद और मुस्लिम की ही है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि दोनों फोन कॉल कब की हैं। पुलिस ऑडियो की भी जांच कर रही है। अतीक का बेटा बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से मिलना चाह रहा था और दोनों के बीच इमरान नाम के एक व्यक्ति को लेकर के भी बात हुई। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद वायरल हुए ऑडियो के अनुसार फोन कॉल रिसीव होते ही पहले सलाम करने की आवाज़ आती है, फिर हेलो असद बोल रहे हैं, दूसरी ओर से आवाज़ आती है हाँ हाँ नंबर अभी मिला था, हम आपके फ्लैट पर आए थे, इतनी देर से खड़े थे और आपने दरवाज़ा भी नहीं खोला। अब दूसरी ओर से आवाज़ आती है कि नहीं हम है नहीं यहाँ पे। बात आगे बढ़ती है और असद बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम से कह रहा है कि वह जेल में बंद अपने भाई उमर से मिलने गया था। मुस्लिम ने असद से कहा था कि कुछ करना हो तो बताओ। असद मुस्लिम से कहता है कि उमर ने उसे अपनी अगली पेशी पर मिलने के लिए कचहरी बुलाया है। मुस्लिम के कचहरी जाने में आनाकानी करने पर असद उस पर जेल में जाकर उमर से मिलने की बात कह रहा है। इसे भी टालते हुए मुस्लिम कह रहा है कि कुछ करना हो तो बताओ। इस बीच फिर इमरान के मुस्लिम के घर आने जाने की बात को लेकर भी असद आपत्ति जताता है। यह भी कहता है कि खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। फ़ोन पर मुस्लिम कहता है कि वह इस बात को समझा नहीं। असद यह भी कहता है कि वह उसके घर आया था और दरवाज़ा नहीं खोला गया। प्रयागराज से लौटने की बात कहते हुए असद मिलने की बात करता है, जिस पर मुस्लिम के वकील के यहाँ होने की बात कहकर उससे मिलने की बात टाल जाता है अब इस ऑडियो के वायरल होने से सनसनी मची है। पुलिस इस ऑडियो की जांच कर रही है। हेलो बोल गए थे, ये कह रहे थे कि भाई के पास हम जाते हैं जेल मुलाकात करने से, उमर भाई से मिलने जाते हैं जेल, तो उन्होंने हमसे कहा था आपसे बात करने को कुछ। अच्छा, वो 5 तारीख को आ रहे हैं पेशी पे, तो आप टाइम निकाल के वो उनसे मुलाकात के लिए आ जाते हैं। तो हम यार कचहरी हमको न बुलाओ, समझो क्या हो गया कचहरी में। कचहरी में थोड़ा सा ठीक नहीं रहता, हम कचहरी हम जाते भी नहीं उधर, या जेल के लिए हमारे साथ जेल वेल हम ना जा पाएंगे, और कोई मैसेज जो बताओ तो हम बताओ, जो करना हो कर दें। नहीं तो मुलाकात न कर पाएंगे ये कहना चाह रहे हैं आप। तो मुलाकात कर लिया जाता है तो कैसे हो, पेशी पे भी ना आ पाएंगे आप, जेल पेशी पे ना बुलाओ हमको, पेशी पे असल में चूंकि हम वहाँ जाते भी नहीं हम कचहरी उचरी ज्यादा, तो फिर कैसे मुलाकात होगी। मुलाकात हम तुम कर लेंगे कहीं पे जहाँ कहोगे। नहीं नहीं उमर भाई से मिलना था आपको। उमर से मिलना है तो चलो अच्छा हम देखते हैं, क्योंकि वहाँ चूंकि कचहरी उचहरी बहुत कम जाते हैं ना, एक बार वहाँ मुलाकात हो गई थी उन लोग से, जकी लोग से। कोई मैसेज हो तो बता देना हमको। वही बात है ना कि एक एक अब हम क्या बताएं, एक कहावत है कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, मतलब समझे नहीं उस पे हम आगे क्या कर सकते हैं। नहीं अभी तुमने जो तुमने इमरान की बात किया ना, इमरान देखो ऐसा है कि इमरान तुमको पता है कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, तुम्हारी जानकारी में भी है। और कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है मुस्लिम साहब हम नहीं जानते। नहीं सुन तो लो हमारी बात, और अगर कोई मसला मसाला हमारे साथ बचपन से हमारे दोस्त भी रहे, कोई मसला मसाला है कभी फोन फान आता है तो हम इनकार तो कर नहीं सकते किसी को। वही बात है ना कि कारोबार हम भी देखते हैं गाड़ी आपके। नहीं हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, पता नहीं किस कौन मिलने आता है किससे मिलने आता है। आज तो आए थे मुलाकात करके भी चले गए किसी के साथ।
बस वही बात है। चलिए ठीक है, हम बात कर लेते हैं, हमारा नंबर सेव कर लीजिए, बस फोन उठा लीजिए। ठीक है जी, ठीक है।